पानी की आवाज देखो यार, क्या झरना बह रहा भाई, बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, ये देखो। ओ मेरे भाई, पानी पानी, वो बाहर। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो गाइस, मेरे पीछे की ओर जो आप देख पा रहे हैं, ये है कोसी नदी और इसके ऊपर जो बना है पुल अभी बिलर हो रहा है। ये है सदियों पुराना पुल जो आप बंद कर दिया गया है, और इसी के पीछे जो आप बड़ा पुल देख पा रहे हैं, उसको शुरू कर दिया गया है, बहुत दिनों में इसका निर्माण हुआ है। चलिए इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ इस पुल को। ये देख पा रहे हैं आप, ये है कोसी नदी, जो बहुत समय पहले इसने तांडव मचाया था। और सामने की ओर आप ये देख पा रहे हैं, ये पुल अब बंद कर दिया गया है, और उसकी जगह जो पुल बनना था वो बनकर तैयार हो चुका है सामने की ओर, उस पर मैं आपको लेकर चलूंगा अभी। छोटे वाहनों के लिए लालपुर का पुल चालू हो चुका है। पूरे 7 साल के बाद लालपुर का पुल बनकर तैयार हुआ है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है और लोग इस पुल को लेकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चलिए लोगों के विचार आपको सुनाते हैं। कुआं खेड़ा के जाहिर अली कहते हैं कि पिछले 7 सालों से 40 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय कर और अधिक पैसे खर्च कर रामपुर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब पुल चालू हो गया है तो बहुत राहत होगी। BSNL लाइन मेन निवासी नवाबगंज कहते हैं कि टांडा में 20 वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ, वो प्रतिदिन आना जाना रहता है। पुल टूटने के बाद टांडा में रहने पर विवश होना पड़ा। पुल खुल गया है तो मैंने प्रतिदिन घर जा सकूंगा। नारायण दास, वो सामने पुराना पुल है, फिलहाल फोटो बहुत कर रहा होगा। तो भाई, इस पुल के नीचे से कुछ पानी बह रहा है, तो कुछ झरने की आवाज वहां से आ रही है। गाइस, लेके चलता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ कुछ सिनेमैटिक व्यू कैसा है वहाँ पर। गाइस, पुल के नीचे वाटर का एक मेन पॉइंट है, जहाँ से ये आवाज़ आ रही है झरने टाइप की, और मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है वो पानी का मेन पॉइंट, और बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ यहाँ से आ रही है। चलिए लेके चलता हूँ पुल के नीचे मैं आपको, और दिखाता हूँ एक झरने के बहने की आवाज़। लेट्स गो। गाइस, क्या सीन है यार। गाइस, नीचे जाते हुए थोड़ा डर लग रहा है, और मैं नीचे जाके दिखाऊंगा आपको प्रॉपरली। वाओ गाइस, सीन देखो यार, क्या सीन है गाइस, सब कुछ लग रहा है ये। गाइस, ये है वाटर लेवल पीलर, जो कोशी नदी का वाटर लेवल बताता है। यहाँ पर दोस्तों हाईजेस्ट 14 फीट दिया गया है, लेकिन दोस्तों एक बार की बात है जब कोसी नदी में बाढ़ आई थी, पानी बारिश का बहुत ज्यादा हो गया था, तो यह लेवल 14 फुट से भी ऊपर जा चुका था, और जो पुराना पुल था वह टूट फूट कर तहस नहस हो गया था। और टांडा से आने वाले लोगों को रामपुर जाने के लिए 50 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों यह पुल बन गया है तो लोगों की परेशानी काफी हद तक कम हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं पुल के ऊपर और दिखाते हैं आपको पुल का नज़ारा। सो गाइज, ये हैं हमारे बिलाल भाई, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं, ये हमारे साथ हैं। गाइज, ये है लालपुर का नया वाला पुल, जो अभी यहाँ पर सवारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और ये देख सकते हैं आप, काफी अच्छा बनाया। तो गाइज, ये है लालपुर का पुल नया वाला। उद्घाटन की बात करें तो गाइज, अभी इसका उद्घाटन पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, लेकिन पब्लिक की परेशानी को देखते हुए चालू कर दिया गया है। ये है कोसी नदी गाइज, घूम कर आ रही है इधर से, और इधर है ये छोटा वाला पुल, उसकी तो बात ही क्या करें। अब तो वही नए की नए के जलवे काटेगा अभी ये। तो यहाँ पे हम आ गए हैं गाइज, कुछ जानदार पुल बनाया यार, देख सकते हैं। मजा आया।